स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल ऑनलाइन टेक वर्ल्ड में, और मैं हूं रवि रंजन। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं 300 लीटर्स के डीप फ्रीजर्स के बारे में। हाँ जी, कौन से ऐसे टॉप 5 डीप फ्रीजर्स हैं जो कि 300 लीटर्स में कन्वर्टेबल डीप फ्रीजर्स हैं जो आप अपने स्टोर के लिए परचेज कर सकते हैं। बेसिकली डीप फ्रीजर्स सिंपल डीप फ्रीजर्स आते हैं या फिर चीलर्स आते हैं, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं कन्वर्टेबल डीप फ्रीजर्स की बात कर रहा हूँ जो कि 300-350 लीटर्स के अंदर में आते हैं। ये एक आइडियल साइज है 300-350, और इस साइज में आपको बेस्ट प्राइस मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इसकी काफ़ी कम होती है कंपेयर टू हायर साइज और लोअर साइज के अकॉर्डिंग। इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो काफ़ी अच्छी होती है, तो आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं करना है, और साथ में इसको रखने के लिए नहीं आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास स्मॉल स्पेस है उसमें भी फिट हो जाएगा, बट मिड साइज़ का जो ये 300 और 350 लीटर्स का जो डीप फ्रीजर होता है बहुत ही यूजफुल होता है। और अगर आपने कन्वर्टेबल डीप फ्रीजर्स लिया है तो सोने पे सुहागा का काम ये कर देता है। तो इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 कन्वर्टेबल 300 लीटर डीप फ्रीजर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टेक वर्ल्ड और मैं हूं रवि रंजन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5 पे है हमारे लिस्ट में वोल्टास का 320 लीटर कन्वर्टेबल डीप फ्रीजर। ये एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, और साथ में ये टाटा का प्रोडक्ट है तो क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। यूवी ग्रेड प्लास्टिक मटेरियल से ये बना हुआ है, आपको इंडिविजुअल डोर लॉक भी देखने को मिलेगा। डिजाइन की अगर बात करें तो सॉफ्ट एस्थेटिक लुक इसको दिया गया हुआ है। इसमें आपको कैस्ट्रोल व्हील भी मिल जाता है जिसकी मदद से आप इसे आसानी से मूव कर सकते हैं। एनर्जी एफिशियंट कंप्रेसर इसमें दिया गया हुआ है जिसकी मदद से आप 40% तक की इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं। एस्टाको एल्युमिनियम लीनियर लाइन आपको इसमें मिल जाता है, साथ में ही एंटी क्रोसिव प्री कोटेड बॉडी आपको देखने को मिल जाती है जिसकी मदद से ये डीप फ्रीजर आपके प्रोडक्ट को काफी लंबे टाइम तक एक अच्छे कंडीशन में रख पाता है। साथ में ही आपको इसमें यूजफुल स्प्रिंग लोडेड हिंजेस देखने को मिल जाता है। टेम्परेचर रेंज की अगर बात करें तो -80 डिग्री सेल्सियस फ्रीजर की और 7 डिग्री सेल्सियस कूलर की आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस कन्वर्टेबल डीप फ्रीजर को कम्प्लीट फ्रीजर बना सकते हैं या फिर कम्प्लीट कूलर की तरह भी यूज कर सकते हैं। अगर इंसुलेशन की बात करें तो 70mm का PUF इंसुलेशन आपको इसमें मिल जाता है, आपकी कूलिंग को काफी लंबे टाइम तक रिटेन करने में मदद करती है ये इंसुलेशन। और इस प्रोडक्ट पे आपको 1+3 ईयर की कम्प्रीहेंसिव वारंटी भी कंपनी दे रही है। तो ओवरऑल अगर पैकेज की बात करें तो काफी अच्छा पैकेज है, काफी अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। अगर इसकी मार्केट प्राइस की बात करें तो ये आपको 26,000 के पास में मार्केट में मिल जाएगा। बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप करंट मार्केट प्राइस चेक कर सकते हैं। फोर नंबर पे है गोदरेज का 300 लीटर कन्वर्टेबल डीप फ्रीजर। अगर इस डीप फ्रीजर की बात करें तो इसमें आपको यूनिक 5 साइड कूलिंग देखने को मिल जाता है, और साथ में इंडिविजुअल डोर लॉक का भी ऑप्शन इसमें भी आपको मिल जाएगा। साथ में ही इसमें जो कूलिंग कॉइल यूज किया जाता है वो डी शेप का कूलिंग कॉइल यूज किया जाता है, आपको कूलिंग काफी अच्छी मिल जाती है। कैस्ट्रोल व्हील का भी ऑप्शन इसमें देखने को आपको मिल जाएगा, साथ में एनर्जी एफिशिएंट कंप्रेसर भी इसमें डाला गया हुआ है। डी कूल टेक्नोलॉजी यानी कि कूलिंग कॉइल डी शेप का होना, और साथ में जॉब टेक्नोलॉजी जो है वो इसमें आपको मिल जाती है। एंटी बैक्टीरियल गैस्केट इसमें आपको देखने को मिल जाएगा जो कि एक अच्छे डीप फ्रीजर में होना बहुत ही जरूरी है। ब्राइट एलईडी लाइट भी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। इसकी अगर टेम्परेचर रेंज की हम बात करें तो -26 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक ये मैनेज करके रखता है। साथ में ही इसमें 70mm का ही पफ इंसुलेशन भी देखने को आपको मिल जाएगा। इसमें आपको 5 ईयर की कम्प्रीहेंसिव वारंटी देखने को मिल जाती है। 100% ये इको फ्रेंडली मटेरियल से बना हुआ है। अगर इसकी मार्केट प्राइस की बात करें तो तकरीबन 24,000 के आसपास में ये मार्केट में आपको मिल जाएगा देखने को। बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप करंट मार्केट प्राइस भी चेक कर सकते हैं। हमारे लिस्ट में
थर्ड नंबर पे आता है रॉकवेल का डीप फ्रीजर। ये 315 लीटर में कन्वर्टेबल डीप फ्रीजर है। ये एक कंप्लीट ग्रीन डीप फ्रीजर्स के कैटेगरी में आता है। इसमें आपको 2-in-1 कन्वर्टेबल फ्रीजर देखने को मिल जाएगा, साथ में डोर लॉक भी आपको एज यूजुअल मिल ही जाता है। अप टू 53% लेस पावर कंजम्पशन ये डीप फ्रीजर करता है, जो कि कंपनी क्लेम करती है। याद रखिए, कंपनी जो है टेस्ट किया हुआ परसेंटेज ही आपको शो करती है, लैब में टेस्ट किया हुआ ये फिगर है। ऑन ग्राउंड इस डिफ्रीजर या किसी भी डिफ्रीजर को यूज करेंगे तो थोड़ा बहुत अप डाउन देखने को मिल सकता है। इसमें आपको कैस्ट्रोल व्हील भी मिल जाती है इजी मूवमेंट के लिए, साथ में 100% कॉपर कॉयल इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। कॉपर कॉयल यूज किया गया हुआ है तो आपको कूलिंग भी काफी अच्छी मिल जाती है। 10 इयर्स की वारंटी बॉडी पे आपको इसमें कंपनी प्रोवाइड करती है, साथ में 5 इयर्स की वारंटी आपको कंप्रेसर पे कंपनी प्रोवाइड करती है। और इसमें आपको ब्राइट एलईडी लाइट भी देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी अच्छी रहे, एम्बियंस भी आपको अच्छा मिले। साथ में टेम्परेचर रेंज की अगर बात करें तो -20 डिग्री सेल्सियस तक ये मेंटेन करता है, +8 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें 90mm हाई डेंसिटी पफ इंसोलेशन यूज किया गया हुआ है, जिसकी मदद से काफी लंबे टाइम तक आपकी कूलिंग को रिटेन रहती है। साथ में ही कोरोसिन रेसिस्टेंस PPGI बॉडी इसमें यूज की गई हुई है। अगर इसकी मार्केट प्राइस की बात करें तो ये तकरीबन आपको 30,000 से 31,000 के बीच में मार्केट में देखने को मिलेगा। बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके भी करंट मार्केट प्राइस को चेक कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे हमारे लिस्ट में आता है ब्लू स्टार का 300 लीटर कन्वर्टेबल डिफ्रीजर। ये डबल डोर डिफ्रीजर है, कोरोसिन रेसिस्टेंस बॉडी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। इसमें भी आपको हाई एनर्जी एफिशिएंट कंप्रेसर मिल जाता है, हैवी ड्यूटी कैस्ट्रोल व्हील आपको इसमें देखने को मिल जाता है, साथ में ही रेसिस्ट हैंडल भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफी यूजफुल है। लॉकेबल डोर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। एक्सीलेंट ड्रेन सिस्टम इसमें डिजाइन किया गया हुआ है, जिसकी मदद से वाटर डिस्चार्ज अच्छे तरीके से जो है इस डिफ्रीजर से निकल जाता है। इसमें आपको टेम्परेचर रेंज जो है वो -22 डिग्री सेल्सियस से लेके 8 डिग्री सेल्सियस तक मिल जाता है, तो आप इसे मल्टीपर्पज तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अगर इसके डिजाइन की बात करें तो काफी सिंपल और काफी यूनिक और प्लेन डिजाइन रखा गया हुआ है। फ्रंट में ही नॉब भी मिल जाता है, जिसे आप मैन्युअली एडजस्ट करके आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। और साथ में ही आपको इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है, हाई डेंसिटी पफ इंसोलेशन इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा है। और साथ में ही आपको एक बास्केट ट्रे भी इसमें देखने को मिल जाएगा। मार्केट प्राइस की अगर बात करें तो तकरीबन 24,000 से 25,000 में ये आपको मार्केट में मिल जाता है। करेंट मार्केट प्राइस के लिए आपको बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसका करेंट मार्केट प्राइस चेक कर सकते हैं। हमारे लिस्ट में नंबर वन पे आता है हायर का 355 स्टार कन्वर्टेबल डिफ्रीजर। ये एक बहुत ही सॉफ्ट और स्मार्ट लुकिंग डिफ्रीजर है। इसमें आपको 5-side फ्रीजिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी, साथ में ही 2x फ्रीजिंग कैपेसिटी के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंट कंप्रेसर इसमें आपको मिल जाता है, जिसकी मदद से आप काफी लो पावर में भी आप इस डिफ्रीजर को यूज कर पाएंगे। कैस्ट्रोल व्हील भी आपको इसमें मिल जाती है, तो आसानी से मूव कर सकते हैं इसको। मोलिक्यूलर फोमिंग इसमें आपको मिल जाती है, जो कि बाकी डिफ्रीजर में देखने को नहीं मिलता है। और लॉकेबल डोर आपको इसमें मिल जाता है, तो आप इंडिविजुअल डोर को लॉक करके भी रख सकते हैं। साथ में ही ये आपको टेम्परेचर रेंज जो प्रोवाइड करता है वो भी काफी डिसेंट है, -18 डिग्री सेल्सियस से +18 डिग्री सेल्सियस तक आप मैनेज कर सकते हो इसमें टेम्परेचर को। 1 ईयर की कम्प्रीहेंसिव वारंटी आपको इसमें मिल जाती है, साथ में 3 ईयर की कंप्रेसर वारंटी भी आपको देखने को मिल जाता है। और इसमें भी आपको मैनुअल नॉब देखने को मिलेगा, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ में ही आपको इलेक्ट्रिकल इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। ये एक 5-star कन्वर्टेबल डिफ्रीजर है, यूनिक डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। अगर एनर्जी एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये डिफ्रीजर काफी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देता है। अगर इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो ये तकरीबन 27,000 के आसपास आपको मार्केट में पड़ेगा। बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप इसका करंट मार्केट प्राइस जो है वो चेक कर सकते हैं। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं उस समय जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा,
लिंक पे क्लिक करके अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको करंट मार्केट प्राइस मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। जय हिंद, नमस्ते।